12 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, साइक्लोड का सम कर रहे हैं हम लोग, ओके 3690 लेके, 12 पार्ट में से यहाँ पे प्रोटेक्ट करके 3690, फिर यहाँ से ना पाई डी लो, कितना लोगे पाई डी सरफेस के, चलो बड़ाई बढ़ाते हैं, हाँ फिर पाई डी के बाद इसका रैंडम इंक्लिनेशन लेके इसको 1 सेंटीमीटर ऐसा लेके 12 पार्ट में डिवाइड करो, और जो लास्ट आएगा ना 12th वाला उसको इससे जॉइन करो और पैरेलल लिया, फिर जो सेंटर लाइन है ना इसको एक्सटेंड करो ऊपर, ये आएगा C1 और ये C2 ऐसा करके क्या आएगा मेरे को लास्ट वाला आएगा C12 है, ठीक है, ये आएगा P, ये 1 2 3 टिल के आएगा 11 और 12, ठीक है, हाँ अभी इससे सबसे पैरेलल इससे पैरेलल एक्सपायर जो रिफ्रेंस ये ना पाइडी वाला लाइन इससे पैरेलल सब, ठीक है, तो 11 एक लाइन में रहेगा, फिर ये 210 एक लाइन में रहेगा, ऐसा ये एक लाइन में, ये एक लाइन में, ओके, फिर जो C1 है ना उसको सेंटर करके फर्स्ट वाला जो लाइन ना मेरा फर्स्ट ये वाला इसको कट करने इधर आएगा C2 से सेकंड वाले लाइन को, C3 से थर्ड आएगा, ऑलमोस्ट C1 पे आएगा, C1 पे आएगा, थोड़ा आगे पीछे रहेगा तो तुमको कुछ मिस्टेक है बट चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, पहले पहली बार कर रहे हो, C3 से थर्ड आएगा, C4 से 4, 5, C6 से ऊपर ना चलेगा, C7, C8, C9, C10, C11, C12, ये ऐसा आपको एक साइक्लॉइड आएगा, ठीक है, साइक्लॉइड क्या करता है, एक पॉइंट का पाथ फॉलो करता है, ठीक है, सरकमफ्रेंस पे उसके